नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे डीसी मोटर के बारे में, ठीक है। डीसी मोटर देखिए, डीसी मोटर वह वैद्युत मशीन है, जब इसको जो है वैद्युत ऊर्जा दी जाएगी तो वह जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। डीसी मोटर का प्रयोग जो है हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, और फैक्ट्रियों में उत्पादन आदि में जो है किया जाता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जब हम डीसी मशीन को वैद्युत ऊर्जा देते हैं तो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है, तो वह मशीन जो है मोटर कहलाती है। और इसी मशीन को अगर हम किसी प्राइम मूवर से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करें तब वह हमको वैद्युत ऊर्जा देती है, तब वह मशीन जो है डीसी जनरेटर कहलाती है, ठीक है। देखिए, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन में बहुत थोड़ा अंतर उसके जो है फ्रेम में होता है। जैसे डीसी मोटर को हम ज़्यादा रफली प्रयोग करते हैं, अतः इसका जो फ्रेम है वो बंद होता है, जबकि डीसी जनरेटर का फ्रेम खुला होता है। इससे जो है कूलिंग के लिए हमको जो है फायदा मिलता है। देखिए, अब आइए जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि जब हम किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, और बल की दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। जैसे यह बाएं हाथ हमारा है तो ये तीन उंगली हम जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो यह जो हमारी उंगली है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और यह जो है धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। और ये हमारा अंगूठा जो है मोटर के ऊपर जो बल रहा है लग रहा है आर्मेचर, यह बल की दिशा को जो है प्रदर्शित करता है। यदि जो है यदि चालक की लंबाई जो है एल मीटर बराबर एल मीटर हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर अगर बी वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा चालक में प्रवाहित धारा यह अगर आई एम्पियर हो तो चालक पर लगने वाला बल यह फिजिकल टू वी आई एल न्यूटन, ठीक है, जो है कार्य करेगा। अब देखिए जो है यह बल किस तरह से कार्य करता है इसकी हम थोड़ा व्याख्या करेंगे।
पहला जो है, हम चार चित्रों के माध्यम से जो है मोटर कैसे कार्य करता है, चालक पर किस तरह बल कार्य करता है, उसको हम समझाएंगे। पहला है हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक यानी कि N पोल है आपका S, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक चालक लंबवत रखा गया है, यानी कि केवल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी मुख्य फील्ड कार्य कर रहा है और चालक में कोई धारा का प्रवाह नहीं है। तो आपका यह फ्लक्स जो है N से S की तरफ जो है गति करेंगे। दूसरा कंडीशन हम लेंगे कि आपका फील्ड जो है कोई फ्लक्स नहीं बना रहा है, यानी इसको हम समाप्त कर देंगे, और यह चालक आपका है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। और यह आपका यस पोल है। अब देखिए जो है पहली स्थिति में जो है आपका चालक में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल जो है मुख्य फील्ड कार्य कर रहा है। दूसरी स्थिति में चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है लेकिन मुख्य फील्ड काम नहीं कर रहा है, और इसमें धारा का प्रवाह जो है अंदर की तरफ जा रहा है आपका, यानी कि हमारी उंगली देख रहे हैं यह जो है इधर की तरफ प्रवेश कर रहा है। तो इस चालक के अंदर जो फ्लक्स बन रहा है उसकी दिशा हम जो है कार्क स्क्रू नियम के द्वारा जो है ज्ञात करेंगे, यानी कार्क स्क्रू नियम के द्वारा यानी धारा तो अंदर की तरफ हम जो है अपने दाहिने हाथ से स्क्रू को लेकर जो है जब हम अंदर की तरफ इसको कसेंगे तो जो आपका फ्लक्स है वह जो है इस दिशा में शो करेगा, ठीक है। अब देखिए जो है तीसरी कंडीशन जो होगी यानी आपका N पोल, अब यहाँ पे चालक में धारा की दिशा मान लीजिए आपकी यह है अंदर की तरफ जा रहा है, और यह जो है आपका यस पोल है। अब जो है तीसरी कंडीशन में आपका मुख्य फ्लक्स भी काम कर रहा है, यानी इसमें भी फ्लक्स बन रहे हैं जो N से यस ध्रुव की तरफ चलेंगे, ठीक। अब जो कि तीसरी कंडीशन है ऐसी जिसपे हमको जो है बहुत ध्यान देना होगा, अब देखिए जो है तीसरी कंडीशन में क्या है, जो आर्मेचर का फ्लक्स यानी मोटर का जो आर्मेचर के कंडक्टर में धारा प्रवाह हो रहा है उससे जो उत्पादित हो रहा है फ्लक्स, यह मुख्य फ्लक्स का सपोर्ट कर रहा है, ठीक, और जो नीचे वाला हिस्सा है वह क्या कर रहा है, मुख्य फ्लक्स का विरोध कर रहा है। इससे क्या होता है कि जो ऊपर का क्षेत्र है इसमें जो है फ्लक्स सघन हो जाता है, यानी यहाँ फ्लक्स का जमा होने लगता है ऊपर की तरफ, और नीचे जो है फ्लक्स विरल हो जाता है, यानी अब एक बल कार्य करने लगता है जो कि आर्मेचर को ऊपर से नीचे की तरफ जो है बल लगाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा कंडीशन क्या है, यह आपका
अब जो है चौथे कंडीशन में हम जो कंडक्टर में धारा की दिशा है वह जो है बदल ले रहे हैं, यानी पहले धारा अंदर की तरफ जा रहा था, अब जो है बाहर की तरफ। इसको हम डॉट से शो करेंगे, यानी कि यह जो है कार के स्क्रू नियम के अनुसार जो है इसमें फ्लक्स की दिशा बदल जाएगी और मेन फ्लक्स पहले की तरह ही रहेगा, एम से एस की तरफ इस तरह से जाएगा। अब देखिए तीसरे कंडीशन में जब हम चालक में धारा की दिशा को बदल दे रहे हैं तो अब जो यह आर्मेचर का फ्लक्स है, नीचे वाला जो हिस्सा जो नीचे है वह मुख्य फ्लक्स का सपोर्ट कर रहा है और ऊपर वाला हिस्सा मुख्य फ्लक्स का विरोध कर रहा है। तो अब क्या होगा, नीचे जो है फ्लक्स का जमाव ज्यादा होगा, यानी कि फोर्स जो है ऊपर की तरह काम करने लगेगा। तो इस तरह से फोर्स ऊपर और नीचे का कार्य करता है, इस तरह एक जो है आर्मेचर के ऊपर एक जो है कपल काम करने लगता है, ठीक है। और जब ही आर्मेचर घूमना शुरू करता है तो चूंकि जो आर्मेचर आपका है केवल उसमें एक ही कंडक्टर नहीं है, आर्मेचर की बाइंडिंग बहुत सी कुंडलियों के द्वारा किया जाता है। जब ही आर्मेचर घूमेगा तब पीछे वाली कुंडली आ जाएगी, फिर वहीं तब उस पर भी वही बल कार्य करने लगेगा। इस तरह से यन और यस ध्रुव के नीचे इस तरह का बल जो है हर कुंडलियों पर कार्य करेगा और मोटर जो है अनवरत अपनी एक ही दिशा में घूमता रहता है। इस तरह से डीसी मोटर जो है कार्य करता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा जो है हम आपको बता दें कि जब यहाँ पे डीसी मोटर में क्या हो रहा है कि यह जो आर्मेचर है डीसी मोटर का, यह मुख्य क्षेत्र के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूम रहा है। तो यानी मोटर के जो आर्मेचर हैं, आर्मेचर के जो चालक हैं वह मुख्य फ्लक्स को कट कर रहे हैं। तो फैराडे के नियमानुसार मोटर का जो आर्मेचर चालक है उसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जो कि सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, और उस विद्युत वाहक बल को हम ईवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी यह ईवी क्या होता है आपका, वह ठीक जनरेटर में जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फाई जेड एन पी अपान 60, ठीक है। ईवी का मतलब बैक ईएमएफ, यानी कि जो मोटर के आर्मेचर कंडक्टर में जनरेटिंग क्रिया हो रही है यह जो है काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि यह जो है जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है वी, इसका जो है विरोध करेगा, ठीक है। अब देखिए जो है, अब जो आप सप्लाई वोल्टेज वी दे रहे हैं मोटर में, यह वी सप्लाई वोल्टेज है, यह कहाँ खर्च हो रही है, पहला तो यह ईवी का जनरेशन हो रहा है, यानी यह ईवी। दूसरा जो है आपका कुछ वोल्टेज जो है यह जो आपका आईए आरए, आईए क्या है आर्मेचर धारा और आरए का है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम इन दोनों तरफ जो है आईए से अगर गुणा कर दें, यह क्या हो जाएगा वी आईए बराबर ये हो जाएगा आपका ईवी इंटू आईए प्लस आईए स्क्वायर आरए, ठीक है। अब देखिए जो है ये हमारा वी आईए क्या है, यह जो है इनपुट पावर, क्या है यह इनपुट पावर, ठीक। और यह ईवी आईए क्या है, यह मोटर के आर्मेचर में वैद्युत
शक्ति के तुल्य विकसित आंतरिक शक्ति है। यांत्रिक शक्ति और यह क्या है आपका आई आर स्क्वायर, यह जो है मोटर के आर्मेचर में ताम्रहानि यानी कि हम मोटर में इनपुट देते हैं वी आई ए पावर और उसमें यह जो ई वी आई ए है यह हमको मोटर के शाफ्ट में यांत्रिक पावर के रूप में मिलता है और इतना पावर हमारा आई ए स्क्वायर आर ए जो है लास्ट के रूप में हो जाता है। इस तरह से हमारा जो है जो हम वैद्युत शक्ति रहते हैं वह ई वी आई ए के रूप में जो है यांत्रिक शक्ति हमको मोटर के शाफ्ट में मिल जाती है। ठीक है, नमस्कार बच्चों, अब यही ख़त्म करते हैं।